आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo Y28 5G और Oppo A59 5G का, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन की प्राइस जो है ना बिल्कुल सेम है, 13,999 रुपए। तो अगर आपको 15,000 रुपए के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आपको Vivo की तरफ जाना चाहिए, Oppo की तरफ, दोनों में से कौन सा अच्छा है? और दोस्तों हमने इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट किया है, तो हम आपको बता सकते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है। तो यार इस वीडियो को ना एंड तक ध्यान से जरूर देखना, नहीं तो आपके जो पैसे है ना वो वेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ना दोनों की डिजाइन के बारे में, तो दोनों की डिजाइनिंग काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, पर Vivo की जो डिजाइनिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लग रही है आप देखोगे यहाँ पे। और वैसे Oppo के अंदर भी काफी अच्छी डिजाइनिंग है, तो डिजाइन के मामले में आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर फेवरेट है, आपको कौन से स्मार्टफोन की डिजाइनिंग ज्यादा अच्छी लगती है। और दोनों के पीछे आपको प्लास्टिक मिलती है, दोनों के अंदर पोर्ट्स एंड बटन्स देखे तो Vivo के अंदर राइट साइड के अंदर पावर बटन एंड पावर बटन के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, और यहीं पर राइट साइड के अंदर वॉल्यूम बटन, नीचे की साइड में स्पीकर, नीचे की साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक और नीचे आपको 3.5mm का जैक भी मिल जाता है, और ऊपर की साइड में सिम स्लॉट मिलता है जिसके अंदर या तो आप दो सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड डाल सकते हो। और अगर ओप्पो की बात करें तो राइट साइड के अंदर पावर बटन एंड इसके ऊपर आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, और नीचे की साइड में स्पीकर, नीचे की साइड में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक और नीचे आपको 3.5mm का जैक भी मिल जाता है। और लेफ्ट साइड के अंदर देखेंगे वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं और सिम स्लॉट मिलता है जिसके अंदर भी आप दो सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, और ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डिजाइन दोनों की काफी ज्यादा प्रीमियम है, और दोनों के फिंगर वगैरह हमने टेस्ट किए, काफी फास्ट वर्क करते हैं, फिंगर में कोई भी दिक्कत नहीं। तो चलिए बात करते हैं दोनों के प्रोसेसर के बारे में, तो दोनों के अंदर ही जो प्रोसेसर मिलता है बिल्कुल सेम है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 प्रोसेसर मिलता है दोनों के अंदर ही। तो हमने इनको दोनों के अंदर गेम वगैरह खेल के देखा है, दोनों को अच्छी तरह से यूज करके देखा है, तो प्रोसेसर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपका प्लान है कि यार मुझे गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना है, यानी कि आपका मेन टारगेट गेमिंग है, तो वैसे तो दोनों ही गेमिंग को बहुत कम यहाँ पे टारगेट करते हैं, पर फिर भी दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यार डिफरेंस कहाँ है, तो दोस्तों डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर बैटरी और चार्जर देखे तो वहां पे डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि बैटरी दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है, पर अगर चार्जर को देखे ना तो Vivo के अंदर आपको सिर्फ 18W का चार्जर मिलता है, जबकि Oppo के अंदर आपको 33W का चार्जर मिलता है, जो कि आपके मोबाइल को काफी ज्यादा तेजी से चार्ज कर दे। और अगर दोनों के अंदर डिस्प्ले देखें तो डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम है, 6.56 इंचेस की HD+ डिस्प्ले है, और दोनों के अंदर ही आपको 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, तो डिस्प्ले में भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्प्ले भी दोनों की बिल्कुल सेम है। दोनों के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलती है, वाटर ड्रॉप नोच मिल रही है अभी के टाइम में दोनों के अंदर ही, तो डिस्प्ले के अंदर भी आपको कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। आप अगर डिस्प्ले वगैरह से रिलेटेड मूवीज वगैरह देखना चाहते हो तो भी आप इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो खरीद सकते हो, पर यहाँ पे एक तो जो डिफरेंस था वो था ओप्पो के चार्जर के अंदर, अब जो दूसरा बड़ा डिफरेंस है वो है इन दोनों के कैमरा के अंदर। वो के पीछे आप देखोगे दो कैमराज मिलते हैं, जो मेन कैमरा है 50MP का है और 2MP का एक कैमरा और है जिसका कोई ज्यादा यूजेस नहीं है, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 8MP का। और अगर ओप्पो के अंदर देखेंगे तो इसके पीछे भी आपको दो कैमराज मिलते हैं, जो मेन कैमरा है वो सिर्फ 13MP का ही है, और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको सिर्फ 8MP का ही मिलता है। तो आपको पता होगा मेगापिक्सल पर हम बिलीव नहीं रखते, तो इसलिए हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक किए जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको भी अच्छे से पता चल सके कि दोनों के कैमराज में क्या डिफरेंस है। दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत सारी फोटोज क्लिक की है, जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, ये फोटो आप देखोगे पीछे से यहाँ पे रोशनी आ रही है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ओप्पो के अंदर मैं जूम करके दिखाता हूँ, विवो के अंदर जूम करके दिखाता हूँ, तो विवो के अंदर जो डिटेल्स है वो सही मिल रही है, जबकि ओप्पो के अंदर एकदम व्हाइट व्हाइट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए इसको जूम करते हैं और एक इसको जूम करते हैं, तो विवो के अंदर डिटेल सही मिलते हैं, थोड़े से कलर बूस्ट हुए हैं पर डिटेल सही मिलती है, और ओप्पो के अंदर स्क्रीन देखोगे इतनी अच्छी नहीं आई है। तो अगर बैक कैमरा के अंदर देखिए अभी तो विवो आगे निकल रहा है, और अगर पोर्ट्रेट के अंदर देखिए तो भी यहाँ पे देखिए अच्छे से ब्लर भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे बालों के पास में देखोगे ओप्पो के अंदर तो यहाँ पे ब्लर का एकदम साफ पता चला है, जबकि विवो के अंदर अच्छा खासा ब्लर हो चुका है। और अगर सेल्फी के अंदर देखिए तो भी यहाँ पे देख सकते हो, इसको जूम करते हैं और विवो के अंदर जूम करते हैं, जो डिटेल्स है वो विवो के अंदर सही मिल रही है।
है। और अगर पोर्ट्रेट के अंदर देखेंगे सेल्फी के अंदर तो भी यहाँ पर वीवो के अंदर सही लग रही है। तो ओवरऑल अगर देखे दोस्तों तो कैमरा जो है ना वो वीवो के अंदर मुझे ज्यादा अच्छा देखने को मिला। यार दोस्तों आपको कैमरा का भी पता चल चुका होगा, तो मैं अगर मेरी राय आपको दूं कि आपको कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो आपको कौन सी ब्रांड ज्यादा पसंद है, वीवो ज्यादा पसंद है या फिर ओप्पो ज्यादा पसंद है, सबसे पहले आपको ये तय करना होगा। फिर दोस्तों आपको अगर फास्ट चार्ज कराना है अपने मोबाइल को तो ओप्पो की तरफ जा सकते हो, अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप वीवो की तरफ जा सकते हो, क्योंकि प्राइस दोनों की बिल्कुल सेम है, 14,128 के अंदर देखेंगे तो 14,000 है। पर दोस्तों अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी डिजाइन चाहिए तो वीवो की तरफ जा सकते हो, अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो ओप्पो की तरफ भी जा सकते हो। तो आपको इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना, कौन सा खरीदने वाले हो या फिर कौन सा खरीद चुके हो वो भी कमेंट में जरूर बताना, या फिर इनसे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।